अस्सलाम वालेकुम आरिफ, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और शायद आबाद होंगे। तो हम यहाँ पे आए थे मेले पे, तो फिलहाल वहाँ पे मेला भी लग रहा है, तो धमाल कल से शुरू होने वाला है। तो हम अब वापस जा रहे हैं अपने शहर, अपने गांव पे। तो ये आगे से भैंस भी आ रही है, आप बिल्कुल देख सकते हो, उसके बहुत अच्छा माहौल है जो गाँव का होता है ना, आप बिल्कुल देख सकते हो। तो दोनों तरफ से केले के बागात है और अभी शाम का टाइम है, तो बहुत सा खूबसूरत नज़ारा है। लेकिन मोबाइल एचडी नहीं होने की वजह से हो सकता है आपको वीडियो पसंद ना आए, क्योंकि इनका जो मोबाइल मैंने भी लिया है ना, इनका कैमरा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो बहरहाल हमारा जो सफ़र है वो बिल्कुल जारी है, तो हम अपना सफ़र जारी रखते हुए आगे चल रहे हैं। और वहाँ पे जो पीछे जो किले वगैरह थे, तो बहुत ही वहाँ लोकेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन ये भी लोकेशन ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं टन गुलाम अली, और ये रास्ता चंबड़ पे भी जाता है, तो हम ये रोड रास्ता लेके अब वापस गुलाम अली जा रहे हैं। टन गुलाम अली ठीक हो गया, वहाँ से फिर अपने शहर पे जाएंगे। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो हमारी गाड़ी फिलहाल हम तेज़ कर दिए, तो कैमरा थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। बहरहाल हमारी यही कोशिश है कि कैमरा अच्छी तरह रिकॉर्ड करे, लेकिन इसका जो मोबाइल का जो कैमरा है वो भी बहुत कमज़ोर है, यानी रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं दे रहा। और ये जो लोकेशन है ये मुझे बहुत पसंद आई और बहुत अच्छी लोकेशन है। तो यहाँ पे जो मेला लग रहा है, इंशाल्लाह मैं वो आपको दिखाऊंगा कभी आऊँगा। और अभी हम पहुँच चुके हैं, ये कोई स्टॉप वगैरह है, तो ये आगे जंप आ जाता है, हम जंप क्रॉस कर रहे हैं। जंप क्रॉस करते हुए मैंने गाड़ी का रेस बढ़ा दिया, और क्योंकि अभी हमको जल्द पहुँचना होगा अपने गाँव पर, और वैसे टाइम वेस्ट हम नहीं करते। तो मेले को भी चल, कल तो हम नहीं आएंगे, दो दिन के बाद इंशाल्लाह यहाँ पे फिर से आएंगे। और यह मला खड़ा वगैरह भी होता है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। बाजार वगैरह भी लग रही थी, और जो मिठाई की दुकान थे वो भी लग रहे थे, मीनारी दुकान लग रहे थे, यानी ये बच्चों के जो खिलौने वगैरह होते हैं, और भी बहुत सा सामान आता है, जैसे जानवरों की का कुछ होता है सामान वो भी आता है। तो मेले में आपको पता है चीज़ आती है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन मेले घूमने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो ख़ासतौर पे मैं मलाखड़ा देखने के लिए यहाँ पे आता हूँ, तो आपको भी दिखा देता हूँ कि मलाखड़ा कैसा होता है। तो आज वैसे मलाखड़ा नहीं हुआ, बहरहाल इंशाल्लाह कल परसों कभी भी हम यहाँ आएँगे तो आपको लाजमी दिखाएंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पे अभी मेला नहीं लगा था, तो कल से मेला शुरू हो जाएगा, लेकिन हम कल नहीं आने वाले थे, कल पहले धमाल होने वाली है, पहले धमाल में नहीं बल्कि तीसरे धमाल में आएंगे, आखिरी धमाल में आएंगे वहाँ, तो बहुत मज़ा आएगा। और मल जो है ना वो भी इंशाल्लाह, तो तीसरे धमाल होती है उसमें मल बहुत अच्छी होती है, तो उस हवाले से मैंने सोचा कि अब तीसरे धमाल में ही जाना होगा तो बेहतर रहेगा। और मेले में जो मौत के खूब वगैरह ये भी आ चुके थे, ईरानी सर्कस वगैरह भी, झोले वगैरह भी आ चुके थे, लेकिन यहाँ की जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी है। अभी शाम का टाइम हुआ है, तो हमारा सफ़र ये जारी रहेगा, बहुत स्लोली हम मोटर चला रहे हैं, मोटरसाइकिल तेज़ है पर इतनी स्पीड नहीं है ज़्यादा। फिलहाल हमें थोड़ा जल्दी पहुँचना है, तो थोड़ी स्पीड होनी चाहिए थी। तो ये जो गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, ये जनान है, और उसके अलावा और क्या है कि मेरे जो और सीनियर मोटरसाइकिल भी है, लेकिन वो मैं नहीं लेकर आया, क्योंकि जो सिंध के हालात हैं वो कुछ सही नहीं है, तो इसलिए वो गाड़ी ले आना बेवकूफ़ी है। तो मैं ये कटारा जिन्हें लेके आया, और चलने में तो बहुत अच्छा है मोटरसाइकिल। तो अब एक और स्टॉप आ चुका है, देखिए भाईजान यहाँ इस रोड पर स्टॉप बहुत है, यानी अगर चंबल जाना हो तो ये रोड बहुत बेहतर रहेगा। टनी गुलाम अली से चंबड़ रोड, ये बहुत बेहतर रहेगा। तो फिलहाल हमारा तो सफ़र है वो जारी है, और आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता।
काफ़ी दोस्त ये वीडियो को नहीं देख रहे होंगे। इसकी वजह ये कि इसका जो रिज़ल्ट है ना, वो जो कैमरा का, वो पसंद नहीं, क्योंकि जब मैं एडिटिंग कर रहा था तभी मुझे इसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा हाल अगली बार और कोई कैमरा इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल मैंने ये कैमरा इस्तेमाल कर लिया तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों आपको ये भी पता चले कि मैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर, तक तमाम आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो वैसे मेले जो भी सुंदर में लगते हैं वो हम घूमने के लिए जाते हैं और आपको भी घुमाते हैं, तो ऐसे कोई बात नहीं हुई। तो फिलहाल हम आपको यहाँ का जो लोकेशन है, रोड है, वो दिखा रहे हैं। तो दरगाह का नाम मेरे ख्याल से पीर उस्मान ऐसे किसी था, फिलहाल मुझे याद नहीं रहा। तो अगली बार आपको बताऊंगा कि दरगाह कौन से थी, या गूगल मैप में भी मैं सर्च करके आपको बताऊंगा। उसके अलावा उसकी जो लोकेशन है वो भी ऐड करूंगा। तो फिलहाल तो हमारा सफ़र जारी है। काफ़ी दोस्तों जो है वो ब्लॉग बनाते हैं और हमारे सिंध के भी ब्लॉग बहुत आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल हमारा सफ़र जारी है और जारी रहेगा। तो ये पता नहीं बच्चा यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है, और या और मेला है। आपको एक बात बताऊँगा, ये मेला क्यों लग रहा है, क्योंकि अभी इस मेले का कोई भी जो है टाइम टेबल नहीं होता है, यानी एक कोई महीना मुकर्रर नहीं है। ये मेला जब कपास का जब फसल हो जाता है शुरू, तो उसके बाद ये मेला लगाया जाता है, तो इसका कोई टाइम मुकर्रर नहीं। माशाल्लाह यहाँ जो खेते हैं वो बहुत अच्छी हैं, और यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है, सिंध डूब रहा है, लेकिन ये यहाँ का इलाका जो है ना वो बहुत खुश्क नज़र आ रहा है। तो बहुत गुड हो गया। और जो यहाँ पे कपास है वो भी हमने देखी, बहुत अच्छी थी। और अभी कपास का जो काम है वो चल रहा था, किसान बहुत ही खुशहाल है यहाँ के। तो बहरहाल हमारा जो बदीन है वो भी वहाँ पे कलर बहुत है, तो ये जो इलाका है ये भी बदीन का ही है। तो हो सकता है, क्यों मैंने यहाँ पे पहले मरतबा आया हूँ और ये आगे बिल्डिंग बन रही। फिलहाल हमें जैसे मिलेंगे किसी और वीडियो में। फिलहाल मैं यहाँ पर ब्रेक करना था।